प्रदेश में पेयजल के मुद्दे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और साथ ही गहलोत पर पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को अपने वैभव की चिंता है और जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने जनता को मुफ्त पानी का वादा किया था, लेकिन जनता को अब पानी ही नहीं मिल रहा, और ये भी कहा कि सरकार ने पानी के टैंकरों के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ठेके पर दे दिया, जिससे आम जनता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चक्कर लगा रही है और मंत्री एयर कंडीशनर कमरे में बैठे मौज मार रहे हैं। आज राजस्थान में हालत यह है कि मुफ्त का पानी तो दूर, लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। पानी को लेकर के हमारे यहाँ बहुत पुराना एक मुहावरा चलता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी की महत्ता को इस राजस्थान की धरती पर और देश में और आम आदमी के लिए उसकी क्या महत्ता है, इसमें उसका उल्लेख किया गया है इस दोहे में। आज स्थिति यह है कि हम जब सरकार में थे तो जल स्वावलंबन की योजना हमने शुरू की, जिस जल स्वावलंबन में 21,000 कुछ पंचायतों को जोड़ने का काम, कुछ प्रोजेक्ट